और BGMI प्लेयर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फाइनली मैं अपना FPS मीटर ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुका हूँ। वीडियोस में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे आप कैसे FPS मीटर टेस्ट करते हो और कौन सा ऐप यूज़ करते हो, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मैं अब अपना ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ गया हूँ, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और शुरू करने से पहले आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। बस एक PC चाहिए, बाकी आपके पास फ़ोन और गेम तो होगा ही, नेट भी होगा। तो ऐप का नाम है बर्फ डॉग, मैं इससे FPS मीटर ट्रैक करता हूँ। मैंने और भी बहुत सारे ऐप ट्राई किए थे बट वो काम नहीं आ रहे थे, जैसे कि गेम बेंच हो गया, उसमें साइन इन ही नहीं हो रहा, उसमें जब परचेज़ करना पड़ता है अलग से। और अपना KF मार्क हो गया, उसमें तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा वो बिल्कुल भी। तो ये है अपना बर्फ डॉग एप्लीकेशन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसी से मैं ट्रैक करता हूँ। तो आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ क्या कैसे कर रहे हैं, वीडियो स्किप मत करना। और जो जो भी मेरे को व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे कि हमको सिर्फ 60 FPS ही शो हो रहा है, 90 FPS नहीं आ रहा हमारे मोबाइल में, ऐसा नहीं है, आपको 90 FPS ही मिल रहा है। जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो ना, इन जो भी थर्ड पार्टी आप ऐप यूज़ कर रहे होगे, वो फेक है, वो सिर्फ 60 FPS में लॉग दिखाएगा आपको। आपको 1% भी लैग का फील नहीं होगा कि FPS ड्रॉप हो रहा है, तब वो FPS मीटर ऐप यूज़ मत करो। आपको PC से ही आप FPS देख सकते हो, वही आप मोबाइल से नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना दिखा देता हूँ कैसे करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे वीडियो लिंक के दे दूंगा, आप वहाँ से भी टैप करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले टैप खोलनी है पफ डॉग की। तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन खोलेगा, सबसे ऊपर आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड पर क्लिक करना है। और विंडोज़ है आप तो विंडोज़ पर टैप करना, और मैकबुक है तो मैकबुक पर टैप कर देना। मेरा डाउनलोडेड है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कैंसिल कर दूँगा। अब मैं सीधा अपने फाइल पे चलता हूँ जहाँ पे डाउनलोड हो रखा है। तो आप देख सकते हैं फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डबल टैप करेंगे अपने पफ डॉग पे। अगर आपका फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो रखा है। तो ऐसा पेज खुलेगा आपको अभी। अच्छा, अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। साइन अप में जाके अपना आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो। ईमेल एड्रेस मैं फटाक से फिलअप करके आगे मिलता हूँ। तो लीजिए, मैं अपने सब कुछ फिल कर चुका हूँ, बस आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और साइन अप करने के बाद आपको ऐसा पेज खोलेगा, एक्टिवेट योर अकाउंट करके आपको ऐसा एक मैसेज आएगा अपने ईमेल में, जो आपने ईमेल फिल कर रखा था सबसे ऊपर। आपको जैसे उसके लिंक पे टैप कर देना है और साइन अप करके एक्टिवेट कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको अपने वापस पफ डॉग पे जाना है। लीजिए, मैं अपने पफ डॉग पे आ चुके हैं, सब कुछ हमने फिल कर लिया, ईमेल और अपना पासवर्ड सब कुछ। अब आपको जस्ट लॉग इन कर देना, जो आपने वहाँ पे फिल किया था वही आपको फिल करना है दोबारा बस। और ईमेल करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज खुलेगा, ये जी हमारा पेज खुल चुका है FPS टेस्ट करने के लिए, पूरा बिल्कुल रेडी है सब कुछ। जैसे आपको अब थोड़ा सा काम रह गया है वो अपना फ़ोन कनेक्ट करना है। फ़ोन कनेक्ट करने से पहले आपको अपने USB डीबगिंग ऑन कर लेना डेवलपर ऑप्शन में जाके, वो सबसे मेन है, नहीं तो नहीं काम करेगा। ये आपको स्टेप दिखा देगा, सब कुछ बहुत इजी है। अब आगे मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन में दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे USB डीबगिंग कनेक्टेड है, आपको ऐसे ही सिंबल आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने चार्जिंग दिस डिवाइस में वाई USB है, आपको वहाँ पे जाके करना है MIDI, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको MIDI करके सेलेक्ट करके छोड़ देना है। तो ये सब आपको फ़ोन कनेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, चूज़ अ डिवाइस करके ऑप्शन, मोबाइल डिवाइस। मैं वाईफाई सेलेक्ट करता हूँ USB से, क्योंकि मुझे ईयरफोन्स यूज़ करने पड़ते हैं गेम खेलते वक्त, तो आपकी मर्ज़ी है, बट सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप USB से भी आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा इजीली, थोड़ा टाइम लेगा, फिर ये बोलेगा डिसकनेक्ट करने के लिए अपने USB को। डिसकनेक्ट करके अब यहाँ पे आपको गेम सेलेक्ट करना है, हमारा है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ये सेलेक्ट कर लेगा। और आपको अपने फ़ोन पे जाना है वापस मोबाइल, वो अपना गेम लॉन्च करने के लिए। अब हमने अपना गेम लॉन्च कर दिया है, देख सकते हैं आप, अभी लेफ्ट साइड कॉर्नर टॉप पे हमारा FPS मीटर दिखना चालू हो जाएगा। याद रखना है आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सेलेक्ट करके ना, तभी ये एनेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देख सकते हैं FPS, CPU, नेट, बैटरी कार्ड, CPU टेम्परेचर, सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक साथ में। हमारा FPS अब ऑन हो चुका है। तो इतना ही प्रोसेस था आपका बस, बाकी अब और कुछ नहीं करना, बस एक PC रिक्वायरमेंट है, एक साइन इन करना है और कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट बहुत सिंपल प्रोसेस है। बट इसमें एक ड्रॉबैक दिखा देता हूँ पफ डॉग में, ये है कि आप सिर्फ इसमें एक ID से, अगर आप अनपर्चेस्ड हो तो सिर्फ आप आधे घंटे तक ही यूज़ कर सकते हो सिंगल ID से ईमेल की। उसके बाद ये टाइम आउट दे देता है, फिर आप FPS मीटर बंद हो जाता है। अगर आप ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लेना,
फ़ायदे में रहोगे, और नहीं खरीदो तो कोई बात नहीं, नई नई आइडिया बना के करते रहना टेस्ट वगैरह। बाकी आपको एक ही बार तो टेस्ट करना, तो आप एक ही आईडी में वो करो, आधे घंटे तक आराम से लगे रहो FPS मीटर। चलिए तब तक आप ये वीडियो देखिए, मैं चलता हूँ। अगर और भी कोई डाउट्स हो मुझे कमेंट में बताना, और नई वीडियो बनाता रहूँगा मैं, और जो कमेंट्स में सॉल्व होगा मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और फ्यूचर वीडियोज़ सजेस्ट करते रहो मुझे कमेंट्स में, मैं बनाते रहूँगा, रुकूँगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।